सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको न्यूज आइटम दिखा रही हूं, ये न्यूज आइटम दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स का है और इसमें हम यहां पे किसी अन्य अखबार और टीवी के वेबसाइट की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खैर अब अपनी बात रखिए। सुनिए, लवासा में प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। तो जो अपने अपने रहते रहते अपने नाम पे स्टेडियम बनवा ले, मूर्ति बड़ी बड़ी बनवा ले, उनका क्या कहना। लेकिन आपको मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ। गरीबों की बात हो रही है, 80 करोड़ लोग इस देश के गरीब हैं। आपके कहने का मतलब उनको नौकरी आप दे नहीं पा रहे, पकौड़े तैलने की बात करते हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं और आप इसमें मतलब खुशी मनाते हैं, ये आपका अचीवमेंट है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मगर मुझे नकारात्मक और सकारात्मकता पे ही बात करनी थी, जो आपने मुझसे पूछ लिया। अब देखिए, नकारात्मकता क्या होती है, प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हो, जो आज ये बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना। अरे भाई, लोकतंत्र है इस देश में, बाबा साहेब का अपमान मत करो। और लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है, और लोकतंत्र तभी चलता है जब बहुत सारे लोग अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आते हैं। पहले कहा सुनिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। और देखिए, क्या कहा कि हम सारी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे, ये बड़ा मगरमच्छ है जो सारी मछलियों को खा जाएगा, ये बताया इन्होंने। अरे लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लेकिन आप ये कहेंगे, आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं? बचपन में मुझे याद है कि बच्चों की जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, अरे तू उसके साथ नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। यही कर रहे हैं ये। अरे भाई, कौन किसके साथ जाना चाह रहा, हम तो नहीं कर रहे। देखिए सुजाता जी, आपने आपने एक एक बहुत अच्छी लाइन, लेकिन आप कहेंगे मत जाओ। सुजाता जी, आप